नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल, जो रामदास पेठ अकोला में है, अकोला महाराष्ट्र में है। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वो टॉपिक का नाम है बिजार डिल्यूजन्स या रेयर डिल्यूजन्स, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अलग अलग प्रकार के भ्रम होना या भास होना। हाल ही में हमारे यहाँ एक पेशेंट आई थी, एक 50-55 ईयर ओल्ड की पेशेंट, रिटायर्ड प्रोफेसर, जो ये बोल रही थी कंटिन्यूसली कि मैं रात को सोने के बाद जब खर्राटे लेती हूँ तब कोई तो भी मेरे मुंह में वीर्य डालता है, मेरे सेमेन जो है पुरुष का वो मेरे मुंह में डालता है। फिर जब डिटेल में हमने बातचीत की पेशेंट से, तो पेशेंट ने और ऐसे कोई चीज़ें रिवील की जो बहुत ही सुनने में वियर्ड लग रही थी, अजीब और गरीब लग रही थी। पेशेंट का ये भी कहना था कि वो जो वीर्य है वो कान में भी डालते हैं, जो वजाइना है, योनि है, उसमें भी डालते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के पेशेंट ने चीज़ें रिवील की। जब पेशेंट से हमने बात किया तो हमको ये ध्यान में आया कि पेशेंट को बिजार डिल्यूजन डिसऑर्डर नाम की बीमारी है। बिजार डिल्यूजन्स मतलब ऐसे अलग प्रकार के भ्रम पेशेंट को होने लगते हैं जिसका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है, दूर दूर तक तो कोई भी संबंध नहीं है। अलग अलग प्रकार के बिजार डिल्यूजन्स होते हैं और अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को अच्छी प्रकार की ट्रीटमेंट मिलती नहीं है, सहायता मिलती नहीं है और पेशेंट को ये बोला जाता है कि आप पूरी तरह पागल हो और इसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, एक तो ऐसा बोला जाता है, या फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट बराबर मिलती नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जब पेशेंट को ये बीमारी होती है तब पेशेंट को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना बहुत ही जरूरी है। बिजार डिल्यूजन जो कैटेगरी है इसमें अलग अलग प्रकार के डिल्यूजन्स होते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे ही बोलते हैं कि भाई मेरे पूरे शरीर में अलग अलग प्रकार की जो कीटाणु है वो घूम रहे हैं। कोई पेशेंट बोलते हैं कि मेरे दिमाग का जो मेरे ब्रेन के अंदर जो मेरे जो हेड के अंदर ब्रेन है वो निकाल दिया है। कोई पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे बारे में फोटोग्राफी कर रहे हैं और पूरे मेरे बारे में जो जानकारी है पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। कोई पेशेंट्स बोलते हैं कि मेरे ऐसा सिमिलर व्यक्ति और भी मौजूद है सिटी में और वो मेरे बारे में निगेटिव चीज़ें फैला रहा है। बहुत सारे पेशेंट हम ऐसे भी देखते हैं जो अपना मोबाइल खोलते नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं मोबाइल खोलूँ तो उसमें से जो पासवर्ड है वो चुरा कर या जो इंटीमेट चीज़ें हैं वो चुरा कर लोग अलग अलग प्रकार की मेरे बारे में अफवाह फैलाएंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार के डिल्यूजन्स वो व्यक्ति को होने लगते हैं। और भी अलग अलग प्रकार के डिल्यूजन्स है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को ऐसा लगता है कि सामने घर के सामने झाड़ पे या पेड़ पर अलग अलग प्रकार के लोग बैठे हैं और वो मेरी पत्नी को गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो डिल्यूजन्स है, भ्रम है, उसको बोलते हैं बिजार डिल्यूजन डिसऑर्डर। अच्छी बात यह है कि यह बीमारी पूरी तरह अच्छी हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुरी बात यह है कि ये पेशेंट जल्दी से जल्दी साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचते नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे फिजिशियंस, जनरल प्रैक्टिशनर्स देखे हैं जो ये जो प्रॉब्लम है, ये डिसऑर्डर है, उसको पिकअप नहीं कर पाते, डायग्नोस नहीं कर पाते और अनफॉर्चुनेटली उनकी ट्रीटमेंट सही तरीके से होती नहीं। ये बिजार डिल्यूजन डिसऑर्डर जो है वो ये पूरी तरह साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और पूरी तरह अच्छा हो सकता है अगर आप ये पेशेंट को, ये व्यक्ति को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाए तो। साइकेट्रिस्ट एज एन एक्सपर्ट हमारा काम ये है कि पेशेंट को पूरी तरह निगेटिव में नहीं लेना और पेशेंट को आउटराइटली रॉन्ग नहीं बोलना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम कुछ भी फालतू बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ऐसा बोलने से पेशेंट की जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा और पेशेंट फिर एक्सट्रीम स्टेप उठा सकता है या हमारी ट्रीटमेंट लेना भी बंद कर सकता है। इसलिए पेशेंट जब भी ऐसे बिजार डिल्यूजन्स हमारे सामने बोलता है तो पेशेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को रिलैक्स करना, रीअश्योर करना और पेशेंट को ट्रीटमेंट करना। साथ ही में पेशेंट के हाँ में हाँ मिलाना भी रॉन्ग है, क्योंकि अगर पेशेंट के हाँ में हाँ मिलाते हैं तो पेशेंट को ऐसा लगने लगेगा कि हाँ मैं जो बोल रही हूँ वो पूरी तरह सही है। तो निगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, एक मध्यम हमने रास्ता चुनना है और पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। तीन प्रकार के ट्रीटमेंट इसमें उपलब्ध है। बिजार डिल्यूजन डिसऑर्डर में तीन प्रकार के ट्रीटमेंट उपलब्ध है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है दवाई। ऐसे बहुत सारे एंटीसाइकोटिक्स, एंटी एंग्जाइटी दवाई हमारे मार्केट में और हमारे पास उपलब्ध है, जो देने के बाद पेशेंट के जो डिल्यूजन्स है, जो भ्रम है, वो धीरे धीरे कम होते हैं और पेशेंट के जो विचार है
वह वास्तविकता से मिलने जुलने लगते हैं। साथ ही में हम पेशेंट की काउंसिलिंग करते हैं। काउंसिलिंग तब तक ही इंपॉर्टेंट है जब तक पेशेंट सुन रहा है, समझ रहा है और उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर रहा है। अगर पेशेंट वास्तविकता से पेशेंट के विचार मैच नहीं हो रहे हैं तो पेशेंट की काउंसिलिंग करने में कोई भी मतलब नहीं है। जो आखिरी स्टेज की ट्रीटमेंट है वो है ECT, मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये जो ट्रीटमेंट है ये रेजिस्टेंट केसेस जो है, जो जल्दी अच्छे ठीक नहीं हो रहे उनके लिए ये ट्रीटमेंट है। ऐसे पूरी प्रकार की होलिस्टिक अप्रोच अगर हम निभाते हैं और अगर पूरी होलिस्टिक ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो ये जो बिजार डिलीजन डिसऑर्डर है, मतलब जो भ्रम की, जो भास की बीमारी है, वो पूरी तरह अच्छी हो सकती है और ये जो व्यक्ति है वो पूरी तरह नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। अगर आपके आसपास आपके दोस्त, पड़ोसी, पेरेंट्स, बच्चों में ऐसे किसी भी व्यक्ति को ऐसी बीमारी है तो आप तुरंत इनको साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आए और अपना टाइम वेस्ट न करें। मैं इस वीडियो के द्वारा वो सभी जो भ्रम पेशेंट को हो रहे हैं वो निकालने की इच्छा रखता हूँ और ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो ऐसे पेशेंट को हमारे पास ज़रूर लेके आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही और एक वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।